इनको एफकेट की तैयारी करनी है, बनना अफसर है, लेकिन कोई ऐसे घोल के पिला दे बस, लो खुद नहीं देखेंगे। मैक्सिमम डाउट क्या होता है सर, टोमेटो इज अ फ्रूट, आपने सुना है? हाँ हाँ मैंने सुना है, मैं भी बोलने वाली थी। एग्जैक्ट, एयरफोर्स वाले नहीं मानते इसको, उनके आप पीवाईक्यू आंसर की चेक करो, वो यही डायग्राम वो वेजिटेबल मान के चलते हैं। ये है सबसे ज्यादा स्कोर वाले कि भाई मैं तो बोलता हूँ कि अगर तुमसे ये सही नहीं हुआ तो फिर तुम मत करते यार, तुम छोड़ दो, इतनी बेसिक रीजनिंग अभी तो होनी चाहिए तुम्हारे यहाँ। मेरे को जैसा विश्वास है कि अगर किसी ने तमीज से पढ़ाई करी है तो वो आधा घंटा सो के आएगा आपके पेपर में सही तरह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफेंस टॉर्चर एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज शीतल यादव एंड जो आज के हमारे गेस्ट है उनका नाम साहिल सर है। यू ऑलमोस्ट बी नोइंग हिम, ही इज द फाउंडर ऑफ डिफेंस मेनिया। एंड आज के एपिसोड में हमने सेल्फ स्टडी प्लान के बारे में बात किया है कि किस तरह हम स्मार्टली सेल्फ स्टडी प्लान कर सकते हैं अपने एफकेट एग्जाम को, जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन किया है, उसके साथ साथ क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो जनरली एस्पिरेंट करते हैं एंड कितने क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे हम 200 प्लस स्कोर करें, इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। एंड अगर उनके बारे में बात करी जाए तो उन्होंने 8 times एफकेट एग्जाम क्लियर किया है एंड जिनमें उनका स्कोर 200 प्लस रहा है। And he has 4 years of experience in giving mentorship to the aspirant through Defence Mania. So without any further delay, let's call Sir to our platform, Defence Roj. So Sahil ji, aaj काफी special day है. There are two reasons. पहला reason तो ये कि आज AF CAT का result आने वाला है. And secondly, आज Defence Roj को एक साल हो जाएगा. And इस journey के अंदर मैंने 40 to 45 interviews लिए. But they were more or less around SSB. But on this end of 1 year, I decided कि written की तरफ भी काफी सारे जो aspirant हैं difficulty face कर रहे हैं. क्योंकि it is the stepping stone. As somebody who are preparing, तो coaching की तरफ अगर हम जाते हैं तो that becomes very expensive and हर कोई afford नहीं कर सकता है. So when I came up for this idea to you, just suggested कि self study plan की तरफ prepare करते हैं and we just clicked and therefore we planned this interview. So thank you so much for accepting my invitation. Thank you so much to you, ma'am. आपका आज काफी important दिन है और actually आज result भी आ रहा है तो बस दोनों खुशियां ऐसे merge हो रही हैं. साहिल जी, एक और चीज की यू नो जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो अच्छा इस इंटरव्यू में पहली चीज है कि हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, वेदर इट इज अबाउट रिटन प्रिपरेशन, सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन, 200 प्लस कैसे स्कोर करें, बट यू नो द फर्स्ट रीजन टू मेक द फर्स्ट वीडियो विद यू इज दैट आपके ना बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं और मुझे ना वो थोड़े सरप्राइजिंग लगे, बट फॉर मी बिकॉज मेरी जो ऑडियंस है वो लोग हैं जो कोचिंग लिटरली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको देखे ना 2 महीने के अंदर अगर कोई कोचिंग कर रहा है ऑफलाइन तो चार्जेस आर लाइक 50,000 एंड 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, ट्रस्ट मी, क्योंकि वो एफकेट सीरीज सब एक साथ कराते हैं। एंड व्हेन आई गॉट योर चार्ज, व्हेन आई वेरीफाइड योर चार्जेस नो, तो मेरे को थोड़ा सा शॉकिंग लगा। एंड जब हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि चलो सेल्फ स्टडी प्लान पे बनाते हैं, तो आपने मुझे बोला कि यू नो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ यू नो बजट पॉकेट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, तो दैट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। तो इज इट लाइक वॉट इज द रीजन टू create such kind of environment for the aspirant, क्योंकि उनके लिए तो beneficial है, but for you I feel कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि is it beneficial for you or not? नहीं मैम ऐसा नहीं है, it's just like कि एक difference मैंने कि starting से ही मेरे mind में एक thought था, क्योंकि मैं भी किसी time पे एक aspirant रहा हूँ, तो अभी अभी ऐसा जितने भी aspirant है ना लगभग सबकी financial condition almost जो maximum मतलब maximum लोग हैं सेम होती है, तो मैंने पर्सनली फील किया है कि अगर मुझे कोई बुक भी लेनी होती थी तो मुझे कितना सोचना पड़ता था कि इस पब्लिकेशन की लूँ किसकी लूँ, बुक के स्टोर पे खड़े होके दो दो बुक्स देखना, तीन तीन बुक्स देखना और फिर एक डिसाइड करना, तो मुझे ना वो छोटे छोटे अमाउंट भी जब आप एस्पिरेंट लाइफ में होते हैं जब आपको पॉकेट मनी घर से मिल रहा होता है तो थोड़ा बड़ा मतलब एक ज्यादा अमाउंट लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोर्सेज के प्राइस कम करके या पॉकेट फ्रेंडली करके कोई चैरिटी कर रहे हैं, आई गेस एफकेट एग्जाम के लिए ये एक सफिशियंट अमाउंट होता है जिसमें एक एक एस्पिरेंट जो है वो बहुत ढंग से प्रिपेयर कर सकता है और ये बहुत जेन्युइन प्राइस होता है, ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ भी अलग नहीं है, उनको सब कुछ मिल जाएगा अगर वो बस पढ़ना चाहे ढंग से। अगर साहिल जी अगर मैं बात करूं अभी जब रिजल्ट आता है तो एक नॉर्मलाइजेशन टर्म काफी हाईलाइट होती है एंड मे बी जो रिपीटर है उसको पता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, बट फॉर समबडी हु इज गिविंग फॉर द फर्स्ट और सेकंड टाइम उनको थोड़ा कम समझ में आता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से क्या तो स्कोर कम से ज्यादा हो जाता है या ज्यादा से कम हो जाता है, तो प्लीज एक्सप्लेन दैट फंडा की एग्जैक्टली है क्या नॉर्मलाइजेशन। मैंने ना मतलब सीजीएल भी क्लियर किया है, एसएससी एग्जाम दिए थे, तो जो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना ये वहीं से उठ के आया, इन सारे एग्जाम में हो रहा था और एफकेट में भी होने लग गया, जब एफकेट के 3 दिन एग्जाम होने लगे मल्टीपल शिफ्ट में होने लगे तब से ये बात हुई। अगर मैं आपको फॉर्मूला स्क्रीन पे फ्लैश करोगे तो वो किसी को समझ में नहीं आएगा, मैं बहुत सिंपल टर्म में समझाता हूँ। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एस्पिरेंट बोल रहे होते हैं कि यार आज के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर बहुत टफ आ गया, कोई कहता है कि नहीं यार मेरे शिफ्ट में बहुत पेपर टफ आ गया। अब इंडिविजुअल को ना देखते हुए नॉर्मलाइजेशन में जनरली एक एवरेज देखते हैं कि एक पर्टिकुलर शिफ्ट में
जो टॉपर मार्क्स हैं, जो टॉपर बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर कितना है, मतलब हाईएस्ट कितना गया है, अगर वो या इजी शिफ्ट है या टफ शिफ्ट है उससे डिसाइड हो जाएगा। अब आप मतलब इमेजिन करिए कि अगर मल्टीपल शिफ्ट हुए हैं और वहां पे ऑन एन एवरेज अगर वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स का एवरेज देखेंगे, तो डेफिनेटली अगर आउट ऑफ 200 ये 300 के पेपर में अगर किसी में एवरेज मार्क्स 200 का आ रहा है और किसी शिफ्ट में एवरेज मार्क्स केवल 150 का ही आ रहा है, तो डिसाइड हो गया कि चलो ठीक है ये जो शिफ्ट था इसका पेपर टफ रहा होगा। बिल्कुल अब इसमें ना बस प्रॉब्लम छोटी सी ये हो जाती है कि वो एस्पिरेंट अगर कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, अब उसको इजी शिफ्ट में लेके जाओ या टफ शिफ्ट में लेके जाओ, उसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी कि वो 200 प्लस ही लेके आता है, राइट। अगर वो लकीली इजीली शिफ्ट में चला गया तो फिर उसके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी थी उतना स्कोर करने की, बट एक एक एस्पिरेंट की वैसे एवरेज तो चेंज होगा नहीं, वो तो ओवरऑल सबका देखा जाएगा। तो बस बिल्कुल इसीलिए जो इजी शिफ्ट वाले होते हैं उनका थोड़ा सा मार्क्स कम हो जाता है, और जो डिफिकल्ट शिफ्ट वाले होते हैं इन कंपैरिजन एवरेज निकाल के डिफिकल्ट शिफ्ट वालों के मार्क्स थोड़े से बढ़ा दिए जाते हैं, बस यही होता है। ऑन एन एवरेज टॉपर्स के मार्क्स देखते हैं कि किस शिफ्ट में कितना हाई स्कोर ज्यादा गया हुआ है और किस में लो गया हुआ है, इस बेस पे डिसाइड हो जाता है कि हाँ भाई ये सिर्फ टफ था या ये सिर्फ इजी था। साहिल जी, जो आने वाले क्वेश्चंस है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। इवन आई हैव क्लियर्ड माय एफकेट एग्जाम, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा साइड रखते हुए, आई वांट टू टेक योर पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज आपने 7x7 times एफकेट क्लियर किया है और अभी भी आप एस्पिरेंट्स को पढ़ा, एट ओके सॉरी 8 times आपने टाइम्स क्लियर किया है और अभी भी आप एस्पिरेंट को यू नो यू आर हेल्पिंग देम, तो एक एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। तो आई जस्ट प्योरली वॉन्ट टू टेक योर ओपिनियन ताकि एक बच्चे को ओवरऑल आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ सके। सो पहले के जो एफकेट एग्जाम थे और अब के जो एफकेट के एग्जाम हो रहे हैं उसमें काफी सारे चेंजेस आए हैं। सो व्हाट आर द चेंजेस यू हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? मैम जो मेजर चेंजेस हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन, मतलब जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस थे, आई गेस सबको पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। पहले मैथ्स में 18 क्वेश्चन आया करते थे, अभी 20 आते हैं। पहले रीजनिंग में 32 क्वेश्चन आया करते थे, अब 25 कर दिए इन लोगों ने। इंग्लिश में पहले 25 थे, अब 5 क्वेश्चन बढ़ा के 30 कर दिए, और जीके सेम ही है, 25 के 25 क्वेश्चन, और कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो क्वेश्चंस तो बस 2 ही इंक्रीज हुए हैं, बट अभी प्रोबेबिलिटी आपका ऐड हो गया है, एरिया एंड पेरीमीटर ऐड हो गया है, ये सारा क्लॉक ऐड हो गया है। क्लॉक को बेसिकली मतलब रीजनिंग और मैथ्स के एंगल से देखें तो मैं मैथ्स के अंदर लेके आता हूँ, क्योंकि इनके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं तो वो मैथ्स के अंदर ही चला। तो ये कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। अगर पैटर्न चेंज को लेके मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि पहले 32 क्वेश्चन आते थे लेकिन नंबर ऑफ टॉपिक्स वर्बल नॉन वर्बल मिला के थोड़े कम हुआ करते थे, और अभी के टाइम पे 25 क्वेश्चन के लिए ही अराउंड 15 टॉपिक्स हैं, मतलब 10 मतलब 14 15 टॉपिक ऐसे आ गए, और हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आई फील कि अगर किसी को पहले एनालॉजी नहीं आती थी तो प्रॉब्लम होता था, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते थे, किसी को ऑड वन आउट नहीं आ रहा है, किसी की वर्ड पावर कमजोर है तो प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि 5 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब चूंकि कैटेगरीज नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं थोड़े से और टॉपिक्स भी बढ़ गए हैं, तो अब थोड़ा सा मुझे इजी लगता है कि चलो ठीक है, मतलब अगर एक चीज आपको नहीं आती है, चलो क्लॉक नहीं आती है कोई बात नहीं, ये तो आता है इसको कर लेंगे ऐसे। तो ये मेजर चेंज है पैटर्न के ऊपर पेपर। ये आपने जो क्वेश्चंस की बात करी तो बिल्कुल डेफिनेटली टाइम के साथ चेंज हुए हैं, बट मुझे एक और चीज जाननी है साहिल जी कि क्या क्वेश्चन को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि किस तरह के एफकेट के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्या एफकेट क्वेश्चंस रिपीट करता है? बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी सारी नई नई चीजें चेंजेस वो करते रहते हैं, पर क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? हाँ मैम ये देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री अपने आप को बिल्कुल रिपीट करती है, सेम लॉजिक यहीं पे अप्लाई होता है। एग्जामिनर का ना जैसे एक माइंडसेट होता है, अगर मुझे अगर कोई पेपर सेट करना हो तो डेफिनेटली पहले जो पेपर्स आए हैं मैं देखूंगा कि किस अचानक से कुछ लेके तो नहीं आऊंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो जो PYQs होते हैं वो बिल्कुल रूट है, वो आपको रास्ता दिखाते हैं कि देखो भैया क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ये आपको मिनिमम ये प्रिपेयर करना है। हाँ अब जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि मैथ्स पहले थोड़े क्वेश्चन डायरेक्ट हुआ करते थे लेकिन अब वो लैंग्वेज को टफ करते जा रहा है, अब क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, दो चार टॉप मतलब दो चार कॉन्सेप्ट है उनको मर्ज कर देते हैं इस तरीके से। एंड रही बात जो आप प्रेडिक्शन की कह रहे हो, तो यस जो हमारे एफकेट के PYQs हैं इन केस ऑफ अगर कोई वर्ड बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, जैसे मेरे केस में मैं वर्ड देख मतलब नहीं पढ़ता था, मुझे आदत नहीं थी वर्ड्स पढ़ने की, मेरा मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट स्ट्रांग था, तो मैं वर्ड्स क्या करता था, वर्ड्स और जीके के लिए PYQ जितने भी हैं सब 2 3 रात पहले रट के आता था, एंड ये बहुत हेल्प करता है, काफी ज्यादा हेल्प करता है, वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं मैम कभी कभी। और जीके के वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना आपके में जो किसी से सॉल्व नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं PYQ में आए होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ 5 6 क्वेश्चन तो इजिली आपको मिल जाएंगे,
एंड आई गेस 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो बहुत है। राइट एक और चीज, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा ट्रिकी है कि यू नो हाउ मेनी क्वेश्चंस नीड टू बी डन टू स्कोर 200+, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए 200+ अगर स्कोर करना है तो? एक्चुअली अब ऐसा है ना मैम कि 200+ 200+ का ना मतलब बहुत ज्यादा वो चलता है कि आपको मेरिट इन होने के लिए मतलब 200+ मार्क्स लेके आने ही आने। बिल्कुल मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे कि मैंने ना बहुत अभी इस जर्नी में ना काफी सारे क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं, तो एक तो ये ना एस्पिरेंट के माइंड में बैठ गया है कि या तो मेरे 200+ आएंगे तभी मैं रिकमेंड होऊंगा। मेरे ऐसे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनको मतलब ऐसे होता है ना धक्का मार के पढ़ाना कि जगह जगह के रूममेट्स इनको पढ़ा रहे हैं और उनके 154-155 नंबर आए हैं, आज वो परमानेंट कमीशन में सर्व कर रहे हैं एयरकोर्स। और ऐसे भी दोस्त देखे हैं कि 200+ में मार्क्स से स्टिल वो मेरिट आउट हो गए। तो पहले तो एस्पिरेंट्स को मैं ये बोलूंगा कि ये माइंड में हटा दो अपने कि मुझे इतने नंबर लेके आने हैं, आपको पढ़ना है और अपना बेस्ट देके आना है, चाहे वो 250 लेके आओ 180 लेके आओ, लेकिन अपना बेस्ट देके आओ बस, वो गलत नहीं होगा। अब रही बात 200+ को जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना अच्छा होगा एज अटेम्प्ट की बात, मैं बिलीव करता हूँ आपके में नेगेटिव मार्किंग होती है। बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस में मेरे मैक्सिमम टाइम 200+ रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस कर रहा है और वो 70+ में जा चुका है, अगर 75-76 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहा है सही सही, तो ठीक है उसके चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, ज्यादा रिस्क लेने की नीड है ही नहीं। अगर उसको लगता है कि नहीं भाई इसमें से मेरे आराम से 70 क्वेश्चन के आसपास निकल जा रहे हैं, उसने 60-70 अटेम्प्ट किए हैं, तो ठीक है आराम से बैठ जाएंगे। अगर कोई 76 करके भी आता है और उसके 6 गलत होकर 70 भी सही निकल जा रहे हैं तो 204 नंबर वैसे ही बन जाएंगे। अभी क्या है कि जितने भी एस्पिरेंट है, क्योंकि अटेम्प्ट्स तो बहुत सारे लोग देते हैं या जो अपीयर कर रहे हैं वो काफी सारे लोग होते हैं, पर बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है एग्जाम में. और नाउ यू डीलिंग विद एस्पिरेंट, तो मुझे जानना है कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दे जनरली डू व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द एफकेट एग्जाम? सबसे बड़ी मिस्टेक ये है ना कि मुझे ऐसा फील होता है जितने डाउट्स आते हैं इनके ना कि अभी के टाइम पे कंटेंट और सोर्सेज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ना कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट ना कंफ्यूज घूम रहे होते। मतलब जो एक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि आपको आप मैम जनरली हम क्या करते हैं, अगर मुझे किसी शॉप पे जाना हो, मुझे कोई भी चीज लेनी हो, तो अगर मेरा माइंड है मैं सबसे बेस्ट क्वालिटी की चीज चेक करूंगा, मैं 3-4 चीजें देखूंगा। क्या बिल्कुल कोई हम दुकानदार की बात में नहीं आएंगे राइट। अभी क्या करते हैं अपना फोकस छोड़ के अपनी मिस्टेक्स हमने कहाँ गलती करी, मतलब जो एक इंट्रोस्पेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको छोड़ देते हैं, बस लोगों की बात सुनते हैं। अच्छा टेलीग्राम ग्रुप में ना 38,000 बच्चे हैं, वहां मैसेज आ रहे होते हैं किसी क्या क्या कोई आपके लिए हेल्प कर देगा, वो ये नहीं समझते कि भाई वो बंदा भी प्रिपेयर कर रहा है जो उस ग्रुप में है, आप भी प्रिपेयर कर रहे हो, उसकी अपनी स्ट्रेटजी होगी आपकी अपनी होनी चाहिए। बिल्कुल तो खुद को इंट्रोस्पेक्ट ना करके हर ग्रुप में सबके कमेंट सेक्शन में जाके स्ट्रेटजी पूछना नहीं पढ़ना, ये सब बहुत मतलब मेजर मिस्टेक्स हैं। एंड पैटर्न को नहीं समझना, बिल्कुल एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे मैम दिल्ली के लिए अगर जाना हो तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ मैं फ्लाइट से जाऊंगा इतने टाइम लगेगा, ट्रेन से फ्लाइट की टिकट इतनी महंगी पड़ेगी, ट्रेन से ये टाइम लगने वाला है, बाई रोड ये टाइम पड़ेगा, एक हम रोड मैप देखते हैं। इनको एफकेट की तैयारी करनी है, बनना अफसर है, लेकिन कोई ऐसे घोल के पिला दे बस लो, खुद नहीं देखेंगे, रिसर्च जीरो रिसर्च करते हैं इस एग्जाम के बारे में और वो बस पूछ रहे होते हैं, ऐसे सिली सिली डाउट्स आते हैं ना मैं वो क्या बताऊं, बहुत ज्यादा। मतलब आज का एस्पिरेंट ना खुद से अपना एज भी नहीं चेक करना चाहता, दे आर लाइक साहिल सर मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं एलिजिबल हूँ अगले एफकेट के लिए, माय ये गॉड. मैं बताऊंगा उनको ऐसे करके, तो इतना भी रिसर्च नहीं करते वो। पर हाँ, ये जो आपने इंट्रोस्पेक्शन की बात करी ना, तो ये चीज मैंने खुद पर्सनली रियलाइज करी है कि यू नो सबको देख देख के ना वही स्ट्रेटेजी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट हाँ उनका बेस्ट लो, बट अपने हिसाब से चीजें प्लान करना बहुत जरूरी है. तो बिल्कुल स्टार्टिंग विद मैथ, द रीजन टू स्टार्ट विद मैथ आर टू, दैट वन इज दैट कि सबसे ज्यादा मुझे क्वेश्चंस मैथ्स के रिगार्डिंग आए हैं, क्योंकि मैथ इज वन ऑफ दोज एरिया जहाँ पे डिफिकल्टी काफी ज्यादा आती है बच्चों को. और दूसरा ये कि आई हैव चेक्ड अ 10 आवर मैराथन क्लास. आई वर्ड साहिल जी, 1 घंटे का मैराथन, आई मीन 1 घंटे की लाइव, 2 घंटे की लाइव, बट 10 घंटे की लाइव, वो भी आई मीन दिस इज टू मच. सो व्हाट वाज द रीजन ऑफ कंडक्टिंग दैट 10 आवर मैराथन क्लास? और मैम एफकेट एग्जाम का टाइम था एंड जैसे होता है ना कि अकेडमीज में जो स्टूडेंट्स हुआ करती हैं कि लंबी लंबी मैराथन होती है, इनिशियली लगता है कि यार 25 किलोमीटर भागे हैं कैसे, इतना लोड वोड लेके ऐसे कर। जब हाँ मैंने इसके लिए शॉर्ट्स अपलोड किया था तो इतने सारे इंस्टा पे भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर बच्चे तो कुछ भी बोलेंगे, 10 आवर्स कैसे खड़े रहोगे, ये करो वो करोगे, और मेरे माइंड में ना ये फ्रेम हो रहा था कि 10 आवर्स तो मुझे करना है एंड इस बार ना इनको मोटिवेट करते रहूंगा, मैं ब्रेक नहीं दूंगा। मैम 10 आवर्स रखने का ना ऐसे ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना था, मेन रीजन ये था कि अर्थमेटिक के मेन मेन ना 10-12 टॉपिक होते कि ये इनके एग्जाम में आने वाले हैं, और मुझे ये था कि मैं अगर चाहता ना
तो कसम से उनको ऐसे 50-60 क्वेश्चन दे देता और वहां पे उनके डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते 6-7, लेकिन ना उसे पेपर क्लियर नहीं होगा, दे विल फील गुड कि चलो ठीक है, और हेल्प भी उनको मिलती है जिनको पहले से चीजें आती हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है प्रॉफिट एंड लॉस और मैंने बिल्कुल स्पेशली बोल दिया कि भाई ये हॉर्स एंड कार्ट वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना और आपको सॉल्व के दिखा दिया, तो आपने जिसने पहले पढ़ा हुआ उसको सॉल्व करना आता है। मैं समझा तो नहीं रहा हूँ, तो मेरा पिन पॉइंट ये था कि मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे इसमें बहुत मजा आता है और इसीलिए शायद वो 10 आवर्स चल भी गया, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत मजा आया। अगर आप क्लास आपने देखी होगी ना, मैं पूरे टाइम जोक मार रहा हूँ, हंस रहा हूँ क्लास में ऐसे करके। तो ये था कि मैं जिस भी टॉपिक के बारे में बात करूँ वो उसे भी हेल्प करे जिसने बिल्कुल नहीं मैथ्स देखा। अगर मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ तो मैं बेस भी बता रहा हूँ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, कि अगर वो अपने 10 घंटे कोई मुझे देके जा रहा है, भले वो 4-5 पार्ट में देखे, 5 सिटिंग में देखे, कोई इशू नहीं, लेकिन उसको एक कंप्लीट चीज मिले, उसको समझ में आए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सॉल्व ऐसे हुआ है। क्योंकि अगर पेपर चेंज भी होता है, थोड़ा टफ आता है पैटर्न, तो एटलीस्ट उसको बेस पता है कि यार प्रॉफिट एंड लॉस में चीजें वर्क कैसे करती हैं। ऐसा होता है ना कि हमने कोई ट्रिक बोल दी, लेकिन वो ट्रिक आया कहाँ से, मैंने ऐसे भी सॉल्व करके दिखाया कि देखो ठीक है, अगर ये घूम के आ जाएगा तो आप इसको ऐसे कर लोगे। तो बस एक वो था कि मैथ्स के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, और आई एम थैंकफुल टू ऑल एस्पिरेंट्स जो 10 घंटे तक कंटिन्यूअस बैठे हुए थे। एंड ट्रस्ट मी मैम, वो मतलब जिस जैसे लाइव बच्चे जो थे ना, वो सेम के सेम रहे और बहुत मजा आया उसमें। इसलिए मुझे साहिल जी मैथ वाला पोर्शन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि मैथ इज समवन बुक में अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक का एक क्वेश्चन है, दूसरे टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन है, बट अल्टीमेटली पेपर में दो तीन टॉपिक मिक्स होके क्वेश्चंस आते हैं, और एक ना शॉर्टकट मेथड को लेके काफी ज्यादा डाउट रहता है कि क्या शॉर्टकट मेथड स्पेसिफिक टॉपिक्स में लगाना है, सब में लगाना है, या यूज करना है नहीं करना है। तो इस पे आप थोड़ा मैथ के बारे में अच्छे से खुल के अच्छे से एक्सप्लेन करिए। एक ऐसे बात करते हैं कि किसी को मैथ्स प्रॉपर तैयारी करें और वो स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे करे। तो दो चैप्टर हैं, परसेंटेज एंड रेशियो, ये पूरे अर्थमेटिक का बेस माना जाता है कि अगर आपको परसेंटेज एंड रेशियो आ रहा है तो आप मैक्सिमम जगह इसको अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए परसेंटेज का यूज प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाएगा, SICI में होगा, रेशियो का यूज स्पीड डिस्टेंस टाइम में हो रहा होगा, ट्रेन बोट, हर जगह ये चीजें मर्ज होकर बिल्कुल आती हैं, चाहे वो बिल्कुल मिक्सचर एलिगेशन हो, कोई भी टॉपिक हो। प्रोबेबिलिटी को अभी साइड रखते हैं, उसके बारे में बाद में, क्लॉक को उसके बारे में बाद में बात करें। तो अगर किसी ने इन दोनों टॉपिक पे अपना कमांड बिठा लिया, मतलब कमांड से मतलब मेरा ये नहीं है कि आपने रैंडम कोई बुक उठाई और दे धनाधन बस सॉल्व किए जा रहे हैं बिना दिमाग लगाए। मेरा मतलब ये होता है कि आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, तो आप समझो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसमें क्या चीजें पूछ रहा है, क्या कॉम्पोनेंट चाहिए। ऐसे कहते हैं ना कि मैथ्स तो प्ले विथ नंबर्स, क्या ही होता है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन यही है, और यही करके आंसर आना है। इनके एग्जाम में थोड़ी इंटीग्रेशन और रूट निकाल के ये सब करना नहीं होता है सर। तो बस उसके बेस को समझो, और अगर किसी ने परसेंटेज एंड रेशियो को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, फिर उसको आगे चीजों में, मतलब आगे बाकी जो टॉपिक्स हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर कोई इन दोनों टॉपिक को कर लेगा, तो जब वो स्पीड डिस्टेंस टाइम सॉल्व करने जाएगा, वो SI सॉल्व करने जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करने जाएगा, तो उसके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी, काफी आसान हो जाएंगी। ट्रिक्स की बात बहुत आती है। अब ट्रिक्स को ना लोग ऐसे समझते हैं कि ये ट्रिक अप्लाई किया और इस चीज से ये चीज सॉल्व हो जाएगी। मैं काफी सारे शॉर्ट ट्रिक्स देता हूँ बच्चों को, लेकिन वो ना शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होते, वो बस कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए चीजें होती हैं, ताकि उनका कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। घूम फिर के काम हम वही कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट में हो जाता है। जैसे कि स्पीड डिस्टेंस टाइम में ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि ऐसे पूछता, आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो इतने की स्पीड से जाएगा तो बेल बजने के 10 मिनट बाद पहुंचता है, इतने की स्पीड से जाएगा तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो जो जिन्होंने मैराथन ना वो 10 आवर्स वाली देखी होगी ना, वो सेकेंड्स में इसका आंसर लेके आ जाएगा, क्योंकि तो उनको मैंने बताया था कि देखो भाई कुछ कंडीशन में कब टाइम रेशियो का उल्टा होता है, कब रेशियो, मतलब इसमें क्या रिलेशन चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो मेन इज परसेंटेज एंड रेशियो, जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है भाई पहले आप इसको कंप्लीट कर लो, इसके बाद आप हर चीज के बस एक कॉन्सेप्ट को समझना सीखो। जब प्रॉफिट एंड लॉस में कोई बोल रहा है सेलर ना कि आप कोई 100 रुपए का सामान बेचता है तो 20% का प्रॉफिट होता है, कितने बेचेगा कि 40% का लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो आप सबको पता है मैम कि 100 रुपए का सामान है, उसको 120 में बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। लेकिन ना उसको बस ऐसे, मतलब किताबी कीड़ा नहीं बनना है, मैथ इज लाइक कि उसको हंसते खेलते सॉल्व करते हुए सीखो, और जितना ज्यादा टाइम दोगे आपका उतना ही अच्छा इंप्रूव होगा। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से, रटने से तो नहीं होगा, आप चाहे 100 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एग्जाम में एक नया क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के देगा, आपका माइंड फिर घूम जाएगा। बट अगर आपको बेस पता हो कि
सीआई वर्क कैसे करता है, सिंपल इंटरेस्ट वर्क कैसे करता है, प्रॉफिट लॉस कैसे वर्क करता है। तो चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा ले, हो सकता है कि आपको टाइम लगे, बट आप सॉल्व तो कर ही लोगे। एक चीज आपने मुझे बताई थी, देर इज अ बुक जो कि आपने स्पेशली बनाई है एफकेट के क्वेश्चन पेपर के हिसाब हाँ से, हाँ तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू, कैन आई हैव दैट कॉपी इन माय डिस्क्रिप्शन सो दैट मैं ना एवरीबॉडी कैन मतलब एक्सेस। हाँ मैं परेशान हो गया था, बस सेम डाउट सबका, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करें कहाँ से करें कहाँ से करें, हर चीज को लेके, क्योंकि ना एफकेट को लेके स्पेशली ऐसा कोई सोर्स है नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। सो ये आइडिया आया माइंड में कि ठीक है यार, मतलब आइडिया आप ये कह लो कि अपना सर दर्द कम किया, कि चलो ठीक है, इनको मैं कुछ भी गलत सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि आप ये बुक ले लो, क्योंकि बोलने को तो मैं कुछ भी बोलता हूँ, 50 पब्लिकेशन है, आप इनका खरीद दो इनका, बल्कि बुक वालों के प्रमोशनल ऑफर आते हैं कि सर इतने सारे बच्चे हमारा बुक वो कर दो, लेकिन एक रिव्यू करना होता है कि एट द एंड हमने उनको डिलीवर किया। सो टीम ने डिसाइड किया कि यार एक ऐसा बुक प्लान करते हैं जिसमें टाइप वाइज सारे क्वेश्चन हो, मतलब एफकेट के लेवल के, अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो उसको एक लाइन सारा मिल जाए। तो वही कुछ मतलब 4500+ क्वेश्चन कंबाइन किए हैं, एंड उसकी पीडीएफ सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया। एफकेट के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा होगा तो आई गेस उसके पास होगा ही होगा, क्योंकि अपने ऐप से ही उसको 8-10 हजार बच्चों ने ले रखा है, तो शायद सबके पास हो, वो फैल चुकी है बुक हर जगह, वो शेयर काफी होती है। मैं आपको मतलब वो प्रोवाइड कर दूंगा, अगर किसी को नीड होगी तो श्योर, आप लिंक वगैरह दे देना, वो देख ले, वो फ्री ठीक है। ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए है, वो ऐप पे भी मिल जाएगी हमारे, कहीं भी मिल जाएगी। देयरफॉर आई एम सेइंग कि इफ एनीबॉडी इज प्रिपेयरिंग तो काइंडली गो टू द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वो बुक हेल्प करती है तो डेफिनेटली गो थ्रू दैट बुक एंड टेक अ फुल एडवांटेज ऑफ दैट बुक। अब हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश इज वेरी वास्ट एंड यू नो वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज वहाँ पे लंबे लंबे पैराग्राफ्स आते हैं, बहुत सारा कॉन्टेंट है। बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो ग्रामेटिकल पोर्शन तो हम कर सकते हैं, बट जहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स या इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात आती है, तो आप चाहे 1500 कर लो चाहे कितने ही कर लो, पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ नया आएगा। तो इंग्लिश को कैसे स्मार्टली कोई प्रिपेयर करे? मैम स्पेशली मुझे लगता है कि जो एरर्स वाला पोर्शन होता है क्लोज टेस्ट ना, तो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एंड हम भी जानते हैं, जैसे कि अगर मैं स्पॉटिंग एरर को देखूंगा, वर्ड स्पेस के बाद आता हूँ, स्पॉटिंग एरर को देखूंगा, तो एक तरीका होता है कि आपने ना मतलब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, और एक होता है कि आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि चलो ठीक है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे हमारे, नाउन में ऐसा काम होता है, प्रोनाउन की ये दिक्कतें हैं, टेंस के अंदर ये होती है। तो अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में आइडिया है तो आप एरर्स अच्छे सॉल्व कर लोगे। एरर्स क्या, जो क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं उनको आपका भी आइडिया लग जाएगा कि भाई कहाँ पे इन आना है, कहाँ पे ऑन होगा, कहाँ पे आउट होगा, कहाँ पे क्या चीजें होने वाली है। जो सबसे ज्यादा पूछते हैं वर्ड्स, इडियम्स एंड ये, हाँ वही साइन ऑफ एंटो का सी, तो अच्छे एक 30 क्वेश्चन में से ना एक अच्छा पोर्शन होता है, मतलब मुझे लगता है तीन तीन तो साइन ऑफ, 6 तो वर्ड्स हो गए और बिल्कुल, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स मिला के, मतलब टोटल आपके 10 क्वेश्चन के आसपास, 10+ 10+ में बन जाते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा इडियम्स के लिए एंड वर्ड्स के लिए सबसे बेस्ट है PYQ। पहले सबसे पहला काम करो, एफकेट के PYQ को चार्ट जाओ, जितने भी वर्ड्स हैं उनके, वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि जो वर्ड दिया है बस वही वर्ड, एक वर्ड के बाद चार ऑप्शन होते हैं, उन चारों ऑप्शन को भी देखना। आई विल टेल यू वन स्टोरी, इसको कंप्लीट करने के बाद आपको ठीक समझ में आएगा इस पर क्या किया था, हमने कैसे प्लान किया था। तो है। एक तो ये चीज हो गई, दूसरा इडियम्स के लिए भी मैम, जैसे कि एफकेट एग्जाम होने वाला है, बट इंडिया में ना ऐसे SSC के बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, इनके बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो अक्सर देखने को मिलता है ना कि क्वेश्चंस इडियम्स वाले ना रिपीट हो रहे हैं। तो अगर किसी को SSC के क्वेश्चंस की PDF मिल जाए, एंड अगर कोई गूगल पे थोड़ी भी मेहनत करे ना, तो उसको कंपाइल करके मिल जाएगा वर्ड्स का, इडियम्स का, तो इडियम्स के लिए तो बिल्कुल देख सकता है। और अगर इतना नहीं हो रहा है तो एक नीतू मैम की बुक आती है, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, प्लेन टू पैरामाउंट, मतलब काफी पहले की बुक है मेरे पास, उसकी PDF अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है। तो भाई इडियम्स तो नहीं आएगा बाहर, आप इडियम्स कर लो वहां से एंड वर्ड्स कर लो, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। मेरा कहना ये है कि अगेन आप इतना सब मैंने बता दिया, आप इतना कुछ पढ़ोगे, इसके बाद भी चांसेस है कि वर्ड्स थोड़े डिफरेंट आ जाए। और डिफरेंस क्या होता है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ाई कर पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, और मैं बिल्कुल ही वर्ड्स नहीं पढ़ता, मैंने बस जनरल क्वेश्चन देके गया हूँ, अगर 6 वर्ड्स अगर आपके पूछे हैं, तीन तीन वर्ड्स, तो हो सकता है कि मैम आप 4 करोगे, लेकिन 2 ऐसे वर्ड्स होंगे जो मैं भी कर लूंगा। तो हमारे बीच में कितने मतलब कि आपने कंपटीशन कितना बढ़ाया, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए मेरे से, राइट, काफी मेहनत करी आपने, तो मैं बस ये फोकस करूंगा कि मैं आपसे कंपटीशन में ऊपर आऊंगा कैसे, मैं थोड़ा सा मैथ्स और स्ट्रांग करूंगा, जो चीजें मेरा डोमेन है, मैं रीजनिंग और स्ट्रांग करूंगा, मैं GK वाले फोकस करूंगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं PYQ सबसे पहले, अगर एफकेट का आप चार्ट जाओ, उसके बाद अगर एफकेट का कर लिया आपने बहुत ढंग से, तो जो SSC क्वेश्चन होते हैं बहुत हद तक सिमिलर होते हैं वो देख लो, और अगर स्पेशली कोई बुक देखना चाहते हो
नीतू मैम की बुक की पीडीएफ वगैरह है, आप पहले पीडीएफ वगैरह देख लो, अगर आपको समझ में आता है तो आप उससे पढ़ सकते हो, वन टाइम सारे एग्जाम्स के लिए सेम ही बुक है, तो मस्त। ठीक है, अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं तो रीजनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब वर्बल इज समथिंग दैट इज बिट ट्रिकियर एज कम्पेयर टू नॉन वर्बल, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, हमें काफी सारी चीजों की अवेयरनेस नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो वर्बल वाले पोर्शन को प्रिसाइसली कैसे करें? आप किसी से भी पूछ लो, किसी को रैंडम पिक एस्पिरेंट को से पूछो कि तुम्हारा सबसे अच्छा क्या है, तो बोलेगा रीजनिंग सबसे अच्छा है। व्हाट आई फील, जब मैं हजार हजार बच्चों के वॉक्स देखता हूँ ना, उनके सबसे ज्यादा नेगेटिव और सबसे जो कम वाला पोर्शन होता है ना, वो रीजनिंग में कर रहे होते हैं मैक्सिमम लोग। रीजन बिंग, हर किसी को पता है एग्जाम टाइम होता है तो स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस में ना मतलब ये तो ह्यूमन नेचर है कि थोड़ी सी हमारी रीजनिंग एबिलिटी ना थोड़ी वीक हो जाती है, मतलब हम थोड़ा सा स्ट्रेस में हर चीज को सोचते हैं। और रीजनिंग ऐसा होता है ना, आपको पता है ये एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे देता है कि अगर ए आप ए भी दिख रहा है बी भी दिख रहा है, अगर किसी ने कुछ थोड़ा सा ही मिस्टेक कर दिया तो उसको ऑप्शन मिल जाएगा, वो टिक करके हैप्पी हो जाता है कि अरे वाह मैंने तो सही कर दिया। लेकिन गलतियां होती हैं, और रीजनिंग को लोग ना इजी समझ के लाइटली लेते हैं। स्पेशली अगर मैं वर्बल पोर्शन की बात करूँ तो आपके एनालॉगी के एक से दो क्वेश्चन, ऑड वन आउट के दो क्वेश्चन, और जो डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल अगर किसी को सच में, क्योंकि रीजनिंग का इंपॉर्टेंस तो SSB के OIR में भी है, तो अगर बिल्कुल किसी को सच में मतलब कोई ढंग से प्रिपेयर कर रहा है तो मुझे लगता है कि रीजनिंग के वो पढ़ने में कंप्लीट करने में उसको बहुत मजा आएगा। अब चूंकि टॉपिक्स बहुत बढ़ गए हैं और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ गए हैं, तो उसको प्रिपेयर करना काफी आसान है। आप ना एक बार टॉपिक का इस पे मैं थोड़ा बता भी देता हूँ, आप लगा देना ताकि उनको थोड़ा सा बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए। बिल्कुल रटने वाली चीज में अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, बस दो चीजें बची हैं रटने के लिए, एक एनालॉगी एक ऑड वन आउट है। दो से तीन क्वेश्चन आएंगे, मैं बोलूंगा कि ठीक है इस, अब अगर दो से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, इनको अवॉइड करना, क्योंकि अगर तुम 500 क्वेश्चन लेके बैठोगे एनालॉगी का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो नहीं होगा। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो अभी अभी बताता हूँ। इसके अलावा जो डायरेक्शन सेंस है, चाहे ब्लड रिलेशन है, चाहे लॉजिकल वेन डायग्राम है वो, या पिक्चर कंप्लीशन हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे कंप्लीट आपका माइंड लगता है। बिल्कुल अब जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जब हम पूछ रहे होते हैं कि भाई उसकी बुआ का ताई के चाचा का लड़का कैसे, तो उसको होता है कि हम खुद पे जब रिलेट करके बनाते हैं, या फिर मैंने ना ऐसे सिखाया हुआ है इनको कि चलो ठीक है आप पेपर पे ड्रॉ कर लो कि ठीक है एक सर्कल बना दिया कि ये दादी के लिए हो गया, एक वुमेन के लिए, मैन के लिए। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इन लोगों को 500 लेक्चर्स मिल जाएंगे डिफेंस, मेरे पास मैंने भी पढ़ाया हुआ है, इसकी रीजनिंग की भी मैराथन करी थी, और यूट्यूब पे चाहे किसी से भी देखें ये रीजनिंग वाले पोर्शन इनको मिल जाएंगे। सबसे जो इजी स्कोर करने वाला है वो है डॉट फिगर, उसके दो क्वेश्चन आएंगे, कोई भी बड़े प्यार से कर सकता है, उसके लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए, बस देखना है कि चलो ठीक है क्वेश्चन फिगर में डॉट तीन जगह पे है तो आंसर में तीन डॉट कहाँ बैठ सकते हैं। सेम गोज विथ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के अंदर भी अभी उस सीधा पूछते हैं ना, लाइक एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, वेजिटेबल टोमेटो एंड एक और कोई कंसिडर करते हैं पोटैटो मान लेते हैं। तो अब ना जब भी मैं सॉल्व कराता हूँ तो जनरली हमारे माइंड में क्या आया कि पोटैटो हो या टोमेटो हो दोनों वेजिटेबल्स हैं, एक वेजिटेबल का सर्कल बनाएंगे उसके अंदर दो अलग अलग आ गए, यही होता है वेन डायग्राम का। मैक्सिमम डाउट क्या होता है, सर टोमेटो इज अ फ्रूट, आपने सुना है? हाँ, मैंने सुना है, मैं भी बोलने वाली थी हाँ आपको। एग्जैक्ट, एयरफोर्स वाले नहीं मानते इसको, उनके आप PYQs आंसर की चेक करो, वो यही डायग्राम वो वेजिटेबल मान के चलते हैं कि भाई वेजिटेबल के अंदर आप मतलब इसको, क्योंकि ये शायद मतलब ब्रिटिश में इसको ऐसे कंसिडर करते हैं, हम जब इंडिया में बात कर रहे हैं AFCAT के SSC के जितने भी पेपर्स हैं, मैंने PYQs बहुत देखा है, एक जनरल डाउट कि सर टोमेटो तो फ्रूट है, अरे नहीं भाई फ्रूट नहीं, हम जब यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं तो उसको वेजिटेबल मान के चल। और इसके बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेंगे। तो जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ना जहाँ पे भावनाओं में नहीं बहना, वहां पे डॉट फिगर हो गया या वेन डायग्राम हो गया, पिक्चर कंप्लीशन, अब इससे सिंपल क्या होगा, एक बॉक्स बना दिया तीन पिक्चर दिए चौथे के बारे में पूछ रहे कौन सा फिट बैठेगा। तो ये है सबसे ज्यादा स्कोर वाले कि भाई मैं तो बोलता हूँ कि अगर तुमसे ये सही नहीं हुआ तो फिर तुम मत करते यार, तुम छोड़ दो, इतनी बेसिक रीजनिंग अभी तो होनी चाहिए तुम्हारे यहाँ। बाकी रीजनिंग इज अ फन सब्जेक्ट, अगर कोई थोड़ा थोड़ा करके हंसते खेलते पढ़ लेते मैम वो तो मतलब इट्स लाइक अ बोनस, AFCAT में अगर उसको दिया है तो वो बोनस की तरह। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे आप बता रहे हो कि तीन दे रखे और छोटा फिल करना है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। साहिल जी, अपने मेजर थ्री सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लिया है, बट जो एक
जीएस सब्जेक्ट है उसको लेके बहुत ज्यादा डर रहता है एस्पिरेंट्स के बीच में, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है. अलॉन्ग विद दैट उन्हें लगता है कहीं से भी चीजें आ सकती है, क्योंकि हिस्ट्री वाले पोर्शन काफी वास्ट है, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो चाहे कुछ हो. अगर हमें प्रॉपरली चीजें नहीं पता है तो इट कैन बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक टू एस्पिरेंट. बट इन माई ओपिनियन मुझे लगता है कि आप 20% सिलेबस से ही 80% स्कोर कर सकते हो, एंड बड़ा स्मार्टली इसको प्रिपेयर किया जा सकता है. तो वॉट इज योर टेक ऑन वेन इट कम्स टू जीएस? हाँ मैम, पता है जब ना ये 20-80 हम लोग जो बता रहे होते हैं ना कि आप 20% से 80% कर लोगे, तो इनको ऐसा लगता है ना कि ये कुछ ऐसी बात है कि कुछ 20% में कम सा पेज में दे दिया और वहीं से क्वेश्चन आ जाए। इन जनरल ये बात नहीं होती है। 20% बोलने का मतलब ये होता है ओवरऑल जीके के सिलेबस को देखते हुए कि भाई ये पोर्शन तो बहुत बड़ा है लेकिन आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। अब अगर कोई एफकेट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दे तो मैं उसको बेवकूफी बोलूंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री से शुरुआत करता हूँ, हिस्ट्री से बात करते हैं सबसे पहले। अब ना अगर कोई पीवाईक्यूज देख के जाएगा उसको पता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो वो कहां से आएंगे, गांधी जी सेशन कब हुए, कांग्रेस के सेशन कब हुए हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन कौन थे, जिस टाइम पे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे गवर्नर या वायसराय कौन थे ब्रिटिश के, ये पूछ लेंगे। या फिर गांधी जी के सेशन कब कब हुए हैं, या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन है जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई जलियांवाला बाग कब हुआ था, गोवा को हमने कब आजाद कराया, राइट, ये सारी चीजें जो फैक्ट वाले हैं ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ से आपके हिस्ट्री वाले क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो ये अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपका पूरा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बारे में कैसे स्टेब्लिश हुआ, कब हुआ, सब कुछ, गांधी जी जब भारत आते हैं उसके बाद उन्होंने इंडिया में क्या कारनामे किए हैं, कौन कौन से सेशन किए, ये सारी चीजें। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पहला सेशन विलेज वाला कब हुआ था, या फिर दांडी यात्रा के, अब चौरी चौरा कांड कब हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे बेस्ड. आपके क्वेश्चन मैं फैक्चुअल हुआ करते थे, अभी देखने में मिल रहा है कि अब स्टेटमेंट भी डाल दे रहे हैं सीरियस टीडीएस के वन. तर्ज पे, कि थोड़ा स्टेटमेंट डाल के थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगेन वही है कि अभी यूपीएससी को लेवल मैच नहीं करेगा, फैक्ट वाले क्वेश्चन है। अगर किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन ढंग से करी है तो वो सॉल्व कर पाएगा। अब जब बिल्कुल. मॉडर्न हिस्ट्री की बात चल रही है ना, स्पेशली जब जीके वाले के अंदर ही आते हैं, तो ये फ्रीडम की जितनी हम 1498 जब वास्को डी गामा आए, 1947 इसके बीच की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, कुछ बुक्स लिखी गई, कुछ न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए, इनके बारे में पूछ लेते हैं। फिर सब सोचते हैं कि अरे बुक्स एंड ऑथर का एक क्वेश्चन पूछ लिया, भाई ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था, ये बुक न्यूज में थी इसलिए आपसे पूछ लिया, ऐसे करके। बाकी मिडाइवल में, एंसेंट में, एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा इसको अवॉइड करना, क्योंकि बिल्कुल. अलग अलग सेगमेंट है। मिडाइवल में आपसे अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो आपसे ये पूछेंगे कि कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ पे है, या फिर किसने बनवाया था, या फिर जो फेमस बुक्स वगैरह हैं उसमें से कुछ पूछ लेंगे कि भाई बाबर के ऊपर कौन सी बुक लिखी गई है, अकबर के ऊपर क्या लिखा गया, किसने लिखा, कुतुब मीनार किसने बनवा दिया, ऐसी सारी चीजें होती हैं। ये हिस्ट्री का पोर्शन है। अब करते क्या है ना, ये कम्प्लीटली वो पूरा ही पढ़ने लग जाते हैं कि भाई इंडस वैली पढ़ेंगे, स्टोन एज, और डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो ये पोर्शन उनको फिर बड़ा लगता है। और क्वेश्चन जब एक दो आते हैं हिस्ट्री के तो फिर दिमाग घूमता है। सेम हिस्ट्री के बाद आते हैं ज्योग्राफी पे। अब ज्योग्राफी पे ना, जो जैसे कि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे प्रिपेयर करना, मैं क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में, उनके बारे में क्या पढ़ूंगा कि वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है और ये किस बेस पे डिफाइन करूंगा, सबसे लंबी वाली कौन है, डीपेस्ट कौन है, किस पे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर कौन कौन से नदियों पे कौन कौन से प्रोजेक्ट बने हुए हैं, कौन न्यूज में थे कौन नहीं थे, ये सारी चीजें। स्टेट्स के बारे में पढ़ूंगा, बिल्कुल. ये टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ कहाँ से जाती है, हमारी टाइमलाइन कौन कौन, ये तो माउंटेन्स धीरे धीरे हमारे रेंजेस हैं इंडिया के या फिर जो फॉरेन के, ये सबको पता होनी चाहिए कि अगर मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ तो मुझे पता होनी चाहिए कि भाई ये यूपी स्टेट है, यहाँ से विंध्या रेंज गई हुई है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, जो जनरल नॉलेज चीजें होती है, ये जियो का पर्सन हो गया। एंड अगर पॉलिटी पे आए तो बिल्कुल फैक्ट पे आ जाओ, ये नहीं कि लक्ष्मीकांत खोल के बैठ ही गया पढ़ने के लिए, भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, ये छोटे मोटे लोकसभा की सीट्स के बारे में, या फिर इलेक्शन को लेके, ये मतलब अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ ले रहे हो, आपको बस एक एक होता है ना कि एक आपको डीप नॉलेज है और आपको ओवरऑल चीजों के बारे में पता है, तो आप ना ये हिस्ट्री ज्योग्राफी और इसमें आराम से कर जाओगे। इन जनरल अगर कोई जिसकी जीके अच्छी भी होगी ना मैम, आई गेस उसको पता होगा कि लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है वर्ल्ड का, इंडिया का, राइट, तो ऐसी चीजें। इसके लिए ये नहीं कि आपको डीप में पढ़ना है, हिस्ट्री की तरह सीडीएस की तरह नहीं पूछेंगे कि अरेंज करो रिवर्स को ईस्ट से लेके वेस्ट तक कौन कौन सी रिवर्स आ रही है, ऐसे नहीं। राइट. तो कुछ कुछ पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट वाले जिनको पढ़ना ही चाहिए। ये तीन चीजें मैंने बताई। साइंस पे आते हैं। अब साइंस को लेके ऐसा होता ना कि साइंस
साइंस है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, और ये अपने आप में ही काफी वास्ट वास्ट पोर्शन है, सब पढ़ना है। लेकिन एस्पिरेंट को समझना पड़ेगा कि जब सी एफकेट के जीके के प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो हमें पीवाईक्यूज के बेस पे कैटेगरीज को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मैं साइंस को एक पोर्शन लेके चलता हूँ, मैं साइंस में क्या देखूंगा, अगर मैं फिजिक्स को देख रहा हूँ ना, तो मैं यूनिट्स देखूंगा, मेजरमेंट्स देखूंगा, लाइट चैप्टर देखूंगा, मोशन, और मोशन में भी मेरे माइंड में स्पेसिफिक है कि मोशन के अंदर मैं क्या देखूंगा, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज, मिनिमम रेंज और लिफ्ट वाले क्वेश्चन, या फिर मून को लेके कि अगर मैं उधर मून पे पहुंच गया तो हमारा वजन का क्या होगा। ये बिल्कुल डिफाइंड चीजें हैं, किसी भी नॉर्मल बुक में मिल जाएंगी। इसी को बोलते हैं एक बस गो थ्रू करना किसी सब्जेक्ट को। केमिस्ट्री के अंदर पूरी केमिस्ट्री पढ़नी पड़नी है आपको। क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे, केमिकल नेम, ये कंपाउंड ऐसा केमिकल नेम क्या होता है, ऐसे करके आपसे नहीं सॉल्व करवा रहे कि भाई इसको बैलेंस करो इक्वेशन को, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। या बायो को लेके, बायो के बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा ही नहीं, वायरस मतलब वगैरह एक आध बहुत क्वेश्चन बेसिक आता है, मेरा क्वेश्चंस बायो आते खुद से ही बहुत वीक है, मतलब हैं। तो मैं कुछ बोलूंगा वो गलत ही होगा उसके लिए। तो ऑनेस्टली बायो को मैंने शुरू से ही छोड़ा है, हमेशा ही छोड़ा है। लेकिन हाँ, इतना मुझे ही पता था कि अगर सेल इंपॉर्टेंट है तो सेल का पावर हाउस किसको बोलते हैं, बायो नहीं आती, लेकिन इतने इतना पता होता था कि चलो ठीक है, सेल अगर इंपॉर्टेंट है तो सेल की जो मेन मेन चीजें है ना, वो मैं पढ़ के जाऊँ कि भाई अब ह्यूमन बॉडी के बारे में पता होनी चाहिए ना, कि सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, कितना ब्लड होता है, ये पता होना चाहिए। इतना मुझे ही पता है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं पढ़नी है, करंट अफेयर्स पे आते हैं, सब बहुत पूछते हैं इसके बारे में मेरे से भी। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना स्पेसिफिक जाओ, जैसे मैंने अभी बोला था ना कि बुक्स एंड ऑथर, लोग बोलते हैं इन जनरल वे कि बुक्स एंड ऑथर एक सेगमेंट आता है। अब ना इसमें तीन टाइप्स की चीजें हैं। पहला ये वो बुक्स जो एंशियंट टाइम में लिखी गई, जैसे हमारी महाभारत वगैरह, इसमें जो गायत्री मंत्र वगैरह ना, ये पहले वाली बुक, पंचतंत्र, ये जितने भी मतलब ये विष्णु शर्मा वाली, ये पहले के बुक्स। उसके बाद मिडाइवल में जो बुक्स लिखी गई हमारी, मिडाइवल वाली कौन सी, कि बाबर के जीवनी के ऊपर कौन सी बुक है, अकबर के ऊपर कौन सी है, या हाँ फिर ये जो वाली बुक अकबर के नौ रत्न थे उनमें से किसने किसने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, ये सारी चीजें। और उसके बाद आती है जो ट्रेंड में चल रही है बुक्स। मैं तो ये बोलूंगा कि भाई आप अपनी कैटेगरीज को डिफाइन कर दो, कि आपने करंट अफेयर का सेगमेंट बनाया, एफकेट रैंडम पूछता है, तो आप ऐसे कर लो, एक सेगमेंट हो गया बुक्स एंड ऑथर्स का, एक हो गया आपका इंपॉर्टेंट पर्सन का, उसके अंदर क्या आएगा, जितने भी लोग न्यूज में थे, किसी का कहीं अपॉइंटमेंट हुआ है उनको भी नोट कर लो, कोई अगर किसी का देहांत हो गया उनको भी आप नोट कर लो, कुछ भी हुआ है, किसी ने कुछ अच्छा अचीव कर लिया न्यूज में, नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, आप उनको नोट डाउन कर लो, इससे आपकी कैटेगरीज बनती चली जाएगी। बिल्कुल एक ना छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूँ, अगर मुझे जब एग्जाम देना होता तो मैं क्या करता था, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी बुक न्यूज में है, डेफिनेटली मैं 6-7 महीने की मैगजीन लेके पढ़ता नहीं था, मैं सिंपल गूगल पे सर्च करता था इंपॉर्टेंट बुक्स, वहां पे तीन टैब आते हैं, सर्च, इमेज, न्यूज। मैं न्यूज पे क्लिक करता था, जितनी भी बुक्स न्यूज में है जिनके बारे में आर्टिकल छपे वो सारी एक लाइन से आती थी, तो मुझे लास्ट 5-6 महीने में, जो जाहिर सी बात है एक साल के अंदर 3-4 बुक ही फेमस हुई होंगी, जो फेमस हुई है या फिर वो बुक्स न्यूज में होंगी जिनको कोई मैन बुकर प्राइज वगैरह मिल गया होगा, बस उनको देख लिया एक बार। तो करंट अफेयर्स का तरीका मेरा हमेशा ये होता है, जस्ट गो कैटेगरी वाइज। स्पोर्ट्स पढ़ूंगा सॉरी, तो मुझे स्पोर्ट्स का आइडिया होता है कि ठीक है स्पोर्ट्स न्यूज में कौन से थे, और ये ना पता है, पता सबको होता है, ये मेरे से आज सुनेंगे ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इसको सुन के फिर भूल जाएंगे। मैं अभी बोल रहा हूँ कि पूछते क्या है, अगर आज अगर ओलंपिक लास्ट टाइम कब हुआ था, होने अगला होने वाला कब होने वाला है, या अगर रिसेंट में हुआ है, तो सेम सारे एग्जाम्स को लेके, चाहे वो कॉमन गेम, कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है, हमारे ग्रैंड स्लैम्स है, पहले कहाँ हुए थे, अब कब हुए, इस बार कब हुए हैं, और अगली बार कब होने वाले हैं, या फिर अब ना जो मेडल्स वगैरह होते हैं उसको लेके रटने लग जाते हैं। मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि याद किसको किया जाता है, गोल्ड मेडल जो लेके आया है, या फिर जिसने जीता है उस टूर्नामेंट को, रनर अप हो गए, और दूसरा उनको जरूर याद करना है जिस किसी टूर्नामेंट पे इंडिया ने कुछ अचीव किया, जैसे कि अभी अगर नीरज चोपड़ा की कोई अचीवमेंट आई है तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, उसको वो पूछेंगे तो आप उसको याद कर सकते हो। बिल्कुल कैटेगरी वाइज सब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स पढ़ लिया, जब डिफेंस के करंट अफेयर्स को पढ़ने जाएंगे तो उसमें सब कुछ आएगा, फिर मिसाइल्स भी आएंगी, हम कौन से प्लेन्स लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, सारी चीजें आएंगी। तो इससे ये होता है कि आपको ना ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे लास्ट 6 मंथ का देखना है, लास्ट 1 डे का देखना है, आपकी एक ओवरऑल नॉलेज अच्छी हो जाती है आपको। अगर मैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी बना रहा हूँ ना, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि अच्छा स्पोर्ट्स ठीक है, मैंने जब न्यूज देखा तो मुझे समझ में आया कि ओके
ये गेम्स हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, ये रूल्स होते हैं, ये इसके टर्म्स होते हैं, अभी इनके फुटबॉल के अंदर ये टूर्नामेंट्स हुए हैं, ये सारी चीजें। डिफेंस की जब बात करूंगा तो कौन सी शिप आई है, कौन सा प्लेन कहाँ से लिया है, कौन सा नया स्क्वाडन बना, ये सारी चीजें मैम क्लियर हो जाए। तो आई विल सजेस्ट कि करंट अफेयर्स के लिए आप ऐसे मत सोचो कि 100 यही पढ़ के जाओगे, 200, ऐसे नहीं। कैटेगरी वाइज बनाओ नोट्स है, मतलब आप बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं भी वीडियोस बनाता हूँ कि भाई 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो कैटेगरी वाइज पढ़ते आ रहे हैं, वो उनका उनसे रिविजन हो जाता है। तो फॉर बिल्कुल करंट अफेयर्स गो कैटेगरी वाइज, इससे आपकी ओवरऑल जीके प्रिपेयर हो जाएगी। अभी मैंने जब बात की करंट अफेयर्स की, तो मैंने जीके में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और इसके साइंस के अलावा सब कवर कर दिया। एफकेट में यही तो पूछता है, राइट स्पोर्ट्स से एक दो क्वेश्चन होंगे, डिफेंस से एक दो क्वेश्चन होंगे, नेशनल के एक दो क्वेश्चन होंगे, यही सारी चीजें आती हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स को कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट मैं ऐड करना चाहूंगी, स्पोर्ट्स के है। सेक्शन में क्रिकेट इज वन ऑफ द फेवरेट एरिया, क्योंकि वो टर्म्स पूछता है डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या टर्म यूज करी जाती है, तो एक क्वेश्चन जनरली देखा जाता है। एंड एक और टेनिस, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, टेनिस और क्रिकेट आर टू प्राइमरी एरियाज जो उनको काफी पसंद है। स्पेस मिशन हो गए, चाहे वो नासा हो, चाहे वो जेक्सा हो, जेक्सा की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार, या इसरो के कुछ मिशन है, लूनार मिशन है, कैसे मिशन है, तो वो काफी स्पेसिफिक एरियाज है। अगर प्रीवियस ईयर देखते हैं तो जैसे आपने कहा कि काफी सारी क्लैरिटी तो वहीं आ जाती है। एंड बिल्कुल अब हम बिल्कुल ही यू नो वी आर कमिंग टू एन एंड, बट स्टिल एक चीज मुझे पूछनी है, जब हम एग्जाम देते हैं साहिल जी, तो व्हाट शुड बी अ राइट अप्रोच टू परफॉर्म द एग्जाम, क्योंकि है तो हमारे पास 2 ही घंटे, तो उन 2 घंटों को हमें कैसे यूटिलाइज करें ताकि हम ना काफी सिस्टमेटिक वे में टाइम पे पेपर खत्म हो जाए और काफी यू नो हर चीज प्रॉपरली टाइम मैनेज हो जाए। व्हाट आई फील, मेरे को जैसा विश्वास है कि अगर किसी ने तमीज से पढ़ाई करी है ना, तो वो आधा घंटा सो के आएगा आपके पेपर मेरी तरह, कसम से। जिनका क्लियर हो रहा होता है, उनसे मैं अगर पूछता हूँ ना, वो फ्री बैठते हैं। मैम एफकेट वालों को ना मोटिवेट होना चाहिए, उनको इमेजिन करना चाहिए कि इनके पैरेलल में इनके सेम एज ग्रुप के बच्चे सीजीएल के लिए पढ़ाई करते हैं। वो 1 घंटे 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करके आते, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, और इनके लिए 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिले, जबकि सीजीएल का सिलेबस बहुत वास्ट है एफकेट से। वो भी तो बिल्कुल लड़के ही हैं, जब बिल्कुल वो 200 में से 150 स्कोर कर ले रहे हैं, और इनकी कट ऑफ 300 में 150 आती है मैम, 154 155, सोचिए आप, इस बार सीजन कट 150 चली गई, फिर भी बच्चे क्लियर कर रहे हैं। तो इट्स अ मोटिवेशन, हमें जितना कंफर्ट मिलता है ना, हम उतने ज्यादा फैलते चले जाते हैं। हमें चाहिए कि हमें सोचना चाहिए, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। अगर कोई ढंग से प्रिपेयर कर रहा है ना, वो आधा घंटा पेपर में बचा लेगा आराम से, और फिर चीजों को रिवाइज करके अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा। तो मैं ये बोलूंगा, पता है एक सबसे बड़ा ये क्या है, एफके का एग्जाम आने वाला होगा ना, हल्ला मचा देंगे सारे, सबके मैसेज, सर मॉक्स देने, मॉक्स देने। आई पर्सनली फील मॉक्स क्यों देते हैं लोग, हमने मॉक्स क्यों दिए सीजीएल, हमने इसलिए दिए ना, एफके के भी एग्जाम इतनी बार क्लियर किए, सीडीएस भी किया, लेकिन एफके के लिए मैं मॉक लगा के नहीं गया। क्यों नहीं गया, रीजन भी, मॉक देते हैं अपनी एक्यूरेसी और स्पीड चेक करने, इसको इंप्रूव करने के लिए। और एफके के केस में ना आपके पास टाइम बचेगा, अगर आप ढंग से पेपर कर लोगे, तो रीजनिंग कर लोगे, इंग्लिश में एक मेजर पोर्शन है, जीके वाला पोर्शन तो आपको पता ही है, बस टिक करना है, आ रहा है नहीं आ रहा है काम पर। मेन टाइमिंग जाती है मैथ्स के अंदर और रीजनिंग के अंदर सॉल्व करने में, और इंग्लिश के पैसे वगैरह के अंदर। तो अगर कोई ढंग से प्रिपेयर करके जाए तो वो टाइम बचा लेगा। राइट अप्रोच में सबसे सिंपल ये है कि भाई पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, इट इज पॉसिबल कि उसमें स्टार्टिंग की तुम्हें 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जो तुम्हारा टाइम खा जाए। तो आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको बस ये याद रखना है कि एक इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उसके भी 3 नंबर मिलेंगे, और जो इतना बड़ा तुम पढ़ रहे हो ना मैथ्स का क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करो, उसके भी 3 ही नंबर मिले। तो अब आप समझदार हो कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं पेपर दे जाता था ना, तो मैं पहले खोजता हूँ ऐसे छोटे बच्चों की तरह, इजी इजी वाले क्वेश्चन, टिक मारते जाऊंगा टिक मारते जाऊंगा, अच्छा ये वाला आता है आता है आता है, मार्क कर दिया, इतने फीचर्स होते हैं, मार्क कर लो, रिव्यू कर लो, मार्क कर दिया, उसके बाद आता हूँ ओके अब थोड़े से दिमाग लगाने वाले कौन से, फिर मैं उन पे जाता हूँ ऐसे। खैर ये मेरा पर्सनल वो था, वरना कुछ लोग फॉलो करेंगे, अभी मैं बताता हूँ, किसी ने फॉलो किया था, उसने मार्क रिव्यू हटाना ही कुछ भूल गया था, तो ये भाई करना मत इंप्लीमेंट, ये मेरा पर्सनल वो था, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, जैसे जाना आप जाओ, बट यस टफ क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो, बस ये सोच लो कि जो सबसे इजी होगा उसके भी 3 नंबर मिलने हैं। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो 10 नंबर मिलेंगे, छोटे वाले के 1 नंबर, सबके बराबर नंबर, बाकी आप समझदार हो।
सही से जैसे आज रिजल्ट आ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे क्लियर भी कर लेंगे, बट देर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एस्पिरेंट जो क्लियर नहीं कर पाएंगे. एंड द रीजन टू कंडक्ट दिस इंटरव्यू एट दिस टाइम इज दैट यू नो इट शुड बी ऑल्सो अ मोटिवेशन फैक्टर, बिकॉज यहाँ पे हम अपनी होप लूज करना शुरू कर देते हैं और कहीं ना जजमेंट भी फीलिंग आती है कि साथ वाले का हो जाता है और खुद का नहीं होता है. तो यहाँ पे व्हाट इज योर मैसेज टू द एस्पिरेंट हु इज वॉचिंग दिस इंटरव्यू? मैम बिल्कुल दिल से, बस ये है एज अ मेंटोर, भैया बोलते हैं सारे एस्पिरेंट, साहिल भैया, शिवानी मैम ऐसे बोलते, तो एक ना वो सच में फैमिली वाला कनेक्ट तो आ ही जाता है, बिल्कुल तो हमारे लिए ना बहुत टफ होता है। मैं अभी आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ लेकिन बैक एंड द माइंड ना कहीं चल रहा है कि कहीं मैसेज को मतलब फोन पे ना आ जाए कि जो रिजल्ट आ रहा है, तो हमारे लिए ना बहुत मिक्स फीलिंग्स होती हैं। एक तरफ पेरेंट्स कॉल कर रहे होते हैं और थैंक यू कर रहे होते हैं, एक तरफ से वो भी बच्चे होते हैं जो भैया इस बार नहीं हुआ, थोड़े इमोशनल होते हैं, बिल्कुल तो हम ना खुश हो पाते हैं। और ये ना मैम सच्चाई है, सबको पता है कि 2 लाख बच्चे अपियर हुए होंगे ना, 8 या 11 क्लियर हुआ हो, निकालो परसेंटेज कितने में, बाकी बच्चे कौन है? वो जो 5-6% तो क्लियर हो गए ठीक है, बाकी जो एक इतने सारे, अगर 2 लाख में से 10% मैम 20,000 होंगे ना, इतने तो क्लियर करेंगे नहीं, उससे कम ही करेंगे। उससे कभी तो है अगर सिलेक्शन रिजल्ट के लिए इतना कम है, तो ऑन एन एवरेज यार 90% से ऊपर, मतलब 90 से 90+ में बच्चे फेल होते हैं। अब ये तो है कि ठीक है, बच्चे जो क्लियर कर रहे हैं उनके रिजल्ट दिखाने हैं, शेयर करना है क्योंकि उनकी हैप्पीनेस है, नहीं कर सकते, लेकिन भाई एक लार्ज नंबर जो है वो क्लियर नहीं कर पाता। उनको मैं बस ये बोलूंगा कि सबसे अच्छा दिन है आज का, अगर पेपर क्लियर होता है बहुत बहुत बधाई आपको, और अगर नहीं भी हो रहा है ना, तो भाई बस आज का दिन है पेपर लेके, और ये गलती मत करना, उदास होके कुछ नहीं मिलेगा, ओवर थिंकिंग करे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी करे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप समझदार हो गए ना, तो आज जो बुरा लगा है उसको आप पेपर पे नोट करोगे, आज आप देखोगे, वैसे तो आपको पेपर के बाद ही करना चाहिए था, पर आप नोट करोगे कि मेरी क्या क्या वीकनेस है, मुझसे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई है, और अगली बार आप उसको नहीं दोहराओगे। जो मिस्टेक से सीखते हैं वो कभी फेल नहीं होते। एंड एक चीज पे मैं हाईलाइट करूंगा, आपको समझदार बनना चाहिए, मतलब जो एस्पिरेंट देख रहे हैं, भाई मुझे पता नहीं ऐसा क्या लगता है, आप लोग ऐसे बहुत छोटे नहीं हो गए मेरे से बाई एज, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो जितने भी एस्पिरेंट्स आते हैं ना, इनके जो डाउट्स होते हैं, मतलब आपको स्पून फीडिंग की आदत लगते जा रही है। आप थोड़ा सा रिसर्च मारो खुद की चीजों को लेके, कैसे करना है, क्या करना है, मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। मैं आपको इतनी सारी नॉलेज देके जा रहा हूँ, बट आपको एनालाइज करना चाहिए। मैं उसके लिए हैप्पी होऊंगा जितनी बातें मैंने कही ना, आप PYQ जाके जब वेरीफाई कर रहे हो कि हाँ साहिल भैया ने ये चीजें बताई थी और ऐसी चीजें हैं, तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। ये नहीं कि बस मैंने बोला, आपने आंख बंद करके सुना और मान लिया, नहीं, आप हर चीज को जब अपने माइंड से चलोगे तो आपके सब माइंड में चीजें आएंगी कि अच्छा भैया ने ये बताया था, तो परसेंटेज सॉल्व करके देखते हैं कि भाई क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। तो मैम बस यही बोलूंगा कि अगर इस बार नहीं हो रहा है, प्रिपेयर करो मस्त तरीके से, सब पढ़ा रहे हैं मैम मल्टीपल, बहुत सारे सोर्सेस है, कोई खुद से पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो कि आज का हमारा थीम था, आप खुद से पढ़ो, आपके घर में बहुत सारी बुक्स पड़ी होंगी, जैसे भी आप पढ़ना चाहो बस आप पढ़ लो, और इज्जत से पढ़ोगे तो एफकेट, अगेन आई विल से कि इज द इजिएस्ट एग्जाम इंडिया के अंदर, पक्का क्लियर हो जाएगा अगर तुम ढंग से पढ़ लोगे। आई रियली थैंक यू फॉर द बुक दैट यू हैव गिवन, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, क्योंकि देर विल बी हाँ सोर्सेस बट अगर उनको वो सूट कर जाती है बुक और वो जेन्युइनली प्रैक्टिस के लिए काफी बेस्ट है हेल्पफुल मैम, रहेगा. देर इज नो हार्म ना एक्चुअली, ये मतलब 50 बुक्स खरीद के ले आते हैं, बेटर इज वेट, आई विल शो यू दिस इज द बुक, वो चाहे तो मैं तो बोलूंगा PDF से पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें फ्री में मिल रहा है तो फिर फालतू में क्यों ही प्रिंट करने के लिए पैसे वेस्ट करना, आप बिल्कुल PDF से पढ़ लो टॉपिक वाइज को छांट छांट के, अगर दिमाग होगा तो जैसे भी चाहे। बहुत सारे मेरे जितने भी कोर्स मेंबर है, बैच मेंबर होते हैं ना, उन्होंने सबने फोटोकॉपी निकाल रखी है थोड़ा छोटा करके इम्पोर्टेंट नोट्स, तो आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, डिस्क्रिप्शन में मैं जो मैम वो मैम कर देंगी वो देख लें। श्योर. एंड अगर ये बुक कहीं से लेना हो तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट, आप कहीं और, क्योंकि नहीं अगर नहीं नहीं हार्ड नहीं कॉपी नहीं ले लें फ्री में है, फ्री में ही है, कहीं नहीं मिलेगी, फ्री में ही चलिए है, किसी ना किसी ग्रुप में मिल जाएगी, किसी बच्चे से मांगो तो, और कोई पैसा मांगे तो देना भी मत, किसी को मत ओके देना, वो फ्री है वो। हाँ साहिल जी, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड आई एम ग्लैड दैट वी डिड दिस सेशन, बिकॉज अल्टीमेटली हमने चीजों को बहुत ब्रेक डाउन करके डिस्कस किया है और बिल्कुल ही उस सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करिए जो कि ना एस्पिरेंट प्रॉपरली रिलेट कर पाएंगे. एंड आई रियली ग्लैड वी डिड दिस सेशन एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू. सेम ईयर मैम, एंड आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 1 साल हो गए एज अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे पता है कितना एफर्ट जाता है इन चीजों में, बहुत मेहनत लगती है, मेरे को तो 4 साल हो गए, तो
आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप अच्छा करो, काफी अच्छा कर रहे हो आप अपनी फील्ड में, आप और अच्छा करो और ऐसे एस्पिरेंट्स की हेल्प करते रहो बाकी। ठीक है, मिलेंगे जल्दी। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.